from outside the Lok Sabha. Moving on to our next story then, the Rajya Sabha is also scheduled to take up an important legislation today. The Upper House of Parliament will take up the for consideration and passage the Right to Information Amendment Bill 2019 and the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2019. The Lok Sabha had passed the RTI Amendment Bill 2019 on Monday. The bill seeks to give the government powers to fix salaries, tenures and other terms and conditions of employment for information commissioners. The opposition is opposing the bill, saying that it will dilute the powers of the information commissioners. And the government has rejected the opposition charges. The Congress has demanded that the bill be sent to a select or a standing committee of parliament for scrutiny. हम तो सबसे कन्विंस करने के लिए हम कोशिश तो करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, करना चाहिए. मुझे कॉन्फिडेंस है सब इसमें कन्विंस होंगे कि इसमें सरकार का पर्पज जो है ना, इच्छा जो है, इट इज वेरी वेरी क्लियर. एंड वी आर नॉट डाइल्यूटिंग एनी पार्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट. एंड राजेश राज इज जॉइनिंग अस. राजेश, कैन यू हियर अस? राजेश, आर यू विद अस? Rajesh? Yes, Rajesh. What I would like to know from you is that the RTI amendment bill, I mean, it's been discussed now a lot in the media. It has already been passed by the Lok Sabha. Are we likely to see, you know, smooth passage in the Rajya Sabha? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की ये कोशिश है कि आरटीआई अमेंडमेंट जो विधेयक है उसको और भी सशक्त बनाया जाए. हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये हमले होते रहे हैं कि आरटीआई कानून को और भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है. और लोकसभा के में चर्चा के दौरान भी ये बातें उभर कर सामने आई, जब सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह ने ये इस बात को साफ करने की भी कोशिश की कि आरटीआई कानून को किसी भी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश नहीं है, उसे और भी धारदार बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है, नया कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता जो है वो सीधे सवाल कर सके, जनता अपने हितों की रक्षा जो है वो कर सके. तो कहीं ना कहीं सरकार की यह कोशिश है, सरकार की यह मंशा है कि आरटीआई कानून को और भी धारदार बनाया जाए, ताकि जनता की जो सहूलियतें हैं वो कम ना हो, जनता की जो दिक्कतें हैं वो आसान हो सके. लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कई प्रावधानों को लेकर लगातार जो है वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, और राज्यसभा में इस विधेयक पर जो है वो चर्चा कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है. और इसमें जो तमाम जो सांसद हैं अपनी शंकाओं का इजहार चर्चा के दौरान ही कर सकेंगे, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं. Right, Rajesh, well, the opposition is asking that the bill be sent to a standing committee or a select committee. Is there a process for that within the Rajya Sabha if the bill has already been passed by the Lok Sabha? हाँ, देखिए, राज्यसभा में ये कोशिश की जा रही है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जाया जाए. सुखेंदु शेखर राय जो हैं वो अभी बोल रहे थे इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, और उनका ये कहना था कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जाया जाए. लेकिन सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि इस विधेयक को लोकसभा की तरह राज्यसभा से भी पारित करा लिया जाए. लेकिन राज्यसभा के जो सांसद हैं, चूँकि राज्यसभा में हम देख कह सकते हैं कि सरकार के पास जो है वो बहुमत नहीं है, लिहाजा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोशिश करने में जुटी हुई हैं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजकर इस विधेयक को जो है वो लटका दिया जाए. लेकिन सरकार फ्लोर मैनेजमेंट करने में लगी हुई है और ये कोशिश करने में जुटी हुई है कि इस विधेयक पर चर्चा जो है वो हो, चर्चा होने के बाद इस विधेयक को पारित कराया जाए. इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम जो प्रयास हैं वो प्रयास किए जा रहे हैं. अब देखना होगा कि राज्यसभा में किस तरीके से विपक्षी सांसद जो हैं वो इस विधेयक को लेते हैं, और क्या विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अगर रिजिड होती हैं तो फिर इसका स्वरूप कुछ और बदला सा नजर आएगा. अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है मार्कलिन, तो निश्चित तौर पर आरटीआई संशोधन विधेयक जो है राज्यसभा से पास होगा लोकसभा की तरह ही. Thanks very much, Rajesh Raj, joining us with inputs about the Rajya Sabha. Moving on to our next story then.